हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीतिस किचन। आज मेरे बच्चों को मीठा खाने का मन कर रहा था, इसलिए मैं आज खाजा बना रही हूँ। ये देखिए, मैंने थोड़ा देरी से मैंने इसको ऑन किया था वीडियो को। मैंने आटा मैदा को मैंने पहले ही गूंथ लिया था। ये देखिए, मैं इसे रोटी के तरह बेल रही हूँ। एकदम पतला पतला इसे बेलना है। जितना पतला बेलिएगा उतना ही लेयर इसमें खाजा में बहुत बढ़िया आएगा। मैंने बहुत पतली रोटी बेल ली है और इस पर तेल लगा रही हूँ। और तेल के बाद थोड़ा सा सूखा मैदा इस पर छीट देंगे और इसको मिला करके इसके ऊपर दूसरी रोटी रख देंगे। रख करके इसको इसके ऊपर फिर तेल लगाएंगे और तेल लगा कर थोड़ा सा मैदा इसको फिर उसके ऊपर छीटेंगे और तीसरी रोटी भी इसके ऊपर इसी प्रकार रख करके फिर चौथी रोटी को भी तेल लगा कर उसी प्रकार रख देंगे। चारों रोटियों को एक दूसरे पर रख करके मैंने चारों पर अच्छी तरह से तेल लगा लिया है। ये देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पर चार रोटी, ये देखिए परत है इस पर। जितनी आप चाहे इसकी परत बना सकते हैं, जितनी परत बनाओगे उतनी ही अच्छी बनती है। अब उसे इस तरह से गोल गोल फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, जैसे मैं कर रही हूँ। अब इसे मैं चाकू से इस तरह से पतला पतला कट कर लीजिए। यहाँ पर मैंने चाकू से कट कर लिया। यहाँ पर थोड़ी सी मेरी बड़ी हो गई थी, जो मैं फिर से साइड में रख करके इसे कट कर लिया है। अब इसे बेलन की सहायता से इस तरह से बेलेंगे और इसमें देखिए लेयर्स भी नज़र आ रहे होंगे। यहाँ थोड़ा मेरा लाइट बहुत ज़्यादा हो गया था। देखिए, इस तरह से रख करके इसे इस तरह से बेलेंगे। और कढ़ाई में मैंने तेल गर्म करने के लिए भी रख दिया है। ये देखिए, इसमें आपको लेयर्स दिख रहे होंगे। इसी प्रकार मैं सारे कटे हुए को बेल लूँगी। यहाँ मैंने तेल गर्म होने दे दिया है। ये देखिए, तेल गर्म हो गया है। एक एक करके मैं इस खाजे को तेल में डीप फ्राई करूँगी। इसे डीप फ्राई करना होगा। आप जब फ्राई करोगे तो देखोगे इसकी परतें अपने आप खुलती चली जा रही हैं। जैसे बाजार में खाजे मिलते हैं उस तरह से इसकी परतें खुलेंगी। ये खाने में बहुत ही क्रिस्पी था, बहुत ही टेस्टी था। मेरे बच्चों को तो ये बहुत पसंद आया। आई होप आपके बच्चों को भी ज़रूर ये पसंद आएगा। अपने बच्चे को बनाकर एक बार ज़रूर खिलाइएगा। ये देखिए, खाजा मेरा यहाँ पर डीप फ्राई हो गया है और मैं इसे अब बाहर निकाल ले रही हूँ। और जो बचे हुए खाजे हैं उसे मैं इसी प्रकार से सारे को तल लूंगी। आपको मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगती हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये देखिए, मैंने सारे खाजे को तल लिया है और ये देखिए इसमें बाजार की तरह लेयर्स आ गए हैं। अब यहाँ पर मैंने हाफ कटोरी चीनी ली है और हाफ कटोरी मैंने इसमें पानी डाला है। और अब मैं इसे एक तार की चाशनी बनाऊंगी। आप देखोगे यहाँ पर चीनी मेरा आस्ते आस्ते मेल्ट हो गया है। अब मैं इसमें कुछ इलायची के दाने डाल रही हूँ। देखो, यहाँ पर एक तार की चाशनी मेरी तैयार हो गई है। ये देखिए, अब मैं इसमें एक एक करके खाजा जो मेरा बनाया हुआ था उसे मैं इसमें डाल दूंगी। एक एक करके सारे खाजे को इसमें डाल करके ऊपर नीचे इसको एक बार कर लीजिए ताकि चीनी का जो रस है सारे खाजे में चला जाए। Thank you.
इसी तरह से उलट पुलट करके सारे खाजे में चीनी का रस को हम डालेंगे और इसे थोड़ी देर ठंडे होने के लिए कहीं पर भी आप रख सकते हैं, या तो चाहे फ्रिज में रख दीजिए या बाहर में ही रहने दीजिए। और फिर देखिएगा आपका खाजा तैयार हो गया है और ये काफ़ी टेस्टी है। थैंक यू।